I'm really sorry, Ishita. पुरियां तलना बाकी रह गया था। मैं बस 5 मिनट में कर देती हूँ। जल्दी-जल्दी हो जाएगा। बस 5 मिनट। पुरियां। ऐसा है, पुरियां बहुत उड़ा ली तुम लोगों ने। अब हमारे किचन का टाइम है। तो चलिए, जाइए। क्या हुआ? सुना नहीं आपने? चलिए। How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे छूने की? तुम्हें जरा भी तमीज नहीं ना कि औरतों के साथ कैसे बिहेव किया जाता है? बदतमीज गवार कहीं के? हमें गवार बोलती है? बताएं तुझे। अगर आप दूसरों से इज्जत चाहते हैं, तो दूसरों को इज्जत देना भी सीखिए। सुना नहीं परिधि ने क्या कहा? इस घर में इस तरह औरतों के साथ कोई बर्ताव नहीं करता है, जिस तरह आप करते हैं। और अगर आप अपनी भलाई चाहते हैं ना, तो ये बात अपने ध्यान में रख लीजिए। चलो परिधि। हमारे पास इलेक्ट्रिक स्टोव है, हम उसी में पूड़ियां बना लेंगे। जी भाभी, मैं लेके आती हूँ। मैं तुम्हारी बदतमीजियां बर्दाश्त नहीं करने वाली आकाश। आज के जमाने की लड़की हूँ, ईट का जवाब पत्थर से देना जानती हूं मैं। नाश्ता चाहिए ना तुम्हें, लेकिन जब सामान ही नहीं होगा तो नाश्ता कैसे बनेगा? चलिए, अब पराठे के लिए आटा गूंथ देती हूँ। ये लॉक किसने किया? बाबूजी भी हमारे साथ यहाँ पे नाश्ता कर रहे होते तो कितना अच्छा होता। वो तो आएंगे नहीं। ऐसा करते हम तीनों भाई मिलकर उनके कमरे में चलते हैं और उन्हें अपने सामने नाश्ता करवाते हैं। वो ना भूखे बैठे रह जाएंगे। कोई फायदा नहीं है। भैया ने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर रखा है। थोड़ा समय दीजिए उन्हें। उनके दिल को इतना बड़ा सदमा पहुंचा है तो संभलने में वक्त तो लगेगा ही। फिर धीरे धीरे वो पहले जैसे हो जाएंगे। लोग नाश्ता कीजिए ना। और आरती बहू, इस हालत में तुम्हारा भी ज्यादा देर तक भूखे रहना ठीक नहीं है। राइट, हमें नाश्ता कर लेना चाहिए। भाभी, लेकिन वेदिका कहाँ है? वो नहीं आएगी। क्यों भाभी? उसके गाल पर एक पिंपल निकला है, बस उसी को लेकर मुंह फुला कर बैठी।
कितना समझाया उसे कि इस उम्र में ये सब होता रहता है, लेकिन नहीं, ये भी कहा कि इससे कोई खूबसूरती कम नहीं होती। अपनी नहीं वेदिका की नजर से देखो विधि बहू, इस उम्र में छोटी छोटी बातें भी भार सी लगती हैं। मैं लेकर आती हूं उसे। मेरे बुलाने पर तो आई नहीं, शायद राधा जी की बात ही मानकर आ जाए। सबके पास अपने अलग अलग तरीके होते हैं भाभी, हो सकता है राधा माँ बुलाए तो वो आ जाए, और मुझे भी लगता है कि उनके बुलाने से वो आ जाएगी। क्यों राधा जी, आई नहीं वेदिका? अरे जब उसने अपनी माँ की बात नहीं मानी तो किसी और की बात। दादी बुआ मैं आ गई। अच्छा मेरे बुलाने पर तो नहीं आई, अब क्या हुआ, पिंपल ठीक हो गया तुम्हारा? हाँ हुआ तो नहीं है लेकिन हो जाएगा। राधा आंटी ने ये लेप लगाया है और कहा है कि शाम तक एकदम सही हो जाएगा, और शाम को मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए भी जा सकती हूँ। थैंक्स दादी। वेदिका सॉरी आंटी। अरे यार एक तो पेट में घमासानी हो तो दोहरा रही है, पता नहीं कहां मरी पड़ी है। चबा रहे हैं। अरे तो अरे ओ हमारा नाश्ता आज लाओगी कि कल सुबह कहां मर गई? अरे इनविटेशन दे क्या, आओगी? आ गई महारानी। अरे क्या इधर उधर कर रही, यहां रखो ना सीधा, भूख से मरे जा रहे हो तुम, इधर उधर भागे जा रही हो। ये क्या है, अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या, घास चरने गया है? क्या है ये, दूध और सूखी ब्रेड खाएंगे हम? हाँ हमारे पूरी और छोले कहाँ है? किचन की अलमारी बंद थी, चाबियां नहीं मिल रही है, और आटा बेसन मसाले बाकी सारी चीजें उसी में रखी है। सामान लड़ाती हमारे साथ, बहाने देगी हमें? अलमारी बंद थी, चाबी नहीं मिल रही थी, तो क्या तुम्हारे काम की छुट्टी हो गई? काम चोर कहेंगे। अरे नीचे क्या देख रही हो, हमारी तरफ देखो। और तुम्हें क्या लगता है, तुम अगर हमें नाश्ता नहीं दोगी तो हम भूखे रह जाएंगे? आकाश सिंधिया है, ऐशो आराम की इतनी जरूरत है तुम्हें तो जाओ अपने एमएलए बाप के घर और ये रूखी सूखी ब्रेड खाओ खाओ खाओ। बहुत चाव से दी थी ना हमें, मजे से खाओ खा। आ रहा है मजा ब्रेड से? हाँ खा, अच्छे से खा।
आरती जी, नाश्ता वहां पे भिजवा दीजिए। क्यों यश भैया, जब उन लोगों को हमारी परवाह नहीं है तो हम क्यों उनके बारे में सोचें? I'm sorry, आप महान हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सब आपकी तरह नहीं होते ना, उनकी बातें नहीं सुनी जाती मुझसे। क्यों प्रतीक, तुम भी तो कुछ कहो। परिधि बिल्कुल ठीक कह रही है, आप मेरी चिंता मत कीजिए। निशिता, तुम क्या खाओगी? इनकी गालियां और मारपीट से पेट भर जाता है। लेकिन क्या करें, किस्मत ही ऐसी पाई है। सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं। परी, एक रोटी देना। किचन की चाबी आप यहां कैसे आई? यशी नाश्ता, यशी कुछ बदल गया मां के जाने के बाद। वो घर जो उन्होंने इतने समय तक सहज के रखा था, उनके जाते दो हिस्सों में बट गया। सब उनकी कमी को महसूस करते हैं और सबका अपना अपना ढंग है, लेकिन मां के जाने के बाद शायद बाबूजी इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाए। मां आवजी को देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है, ना वो खाते हैं ना किसी से बात करते हैं। अपने आप को कमरे में बंद करके रखा है उन्होंने। माँ, समझ में नहीं आता कि आवजी के इस अकेलेपन का हल मैं कैसे निकालूं। माँ की कमी बहुत महसूस हो रही है मुझे। माँ के चले जाने के बाद सब कुछ बिखर गया। आहुजी ने भी अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, ना किसी से बातचीत करते हैं और ना ही खाना खाते। एक ही घर के लोग किचन में अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग लोगों के लिए खाना बनता है। आरती जी, इशिता की उदासी भी मुझसे देखी नहीं जाती। इशिता अपने और अपने पति के लिए नाश्ता भी नहीं बना पाई। पता नहीं उन दोनों ने खाना खाया होगा कि नहीं। आरती जी, आज अगर मां होती तो सबको संभाल लेती। मां की वजह से पूरा परिवार एक था आरती जी, लेकिन अब देखिए सब कुछ बिखर गया। आ
आप ठीक कह रहे हैं जी। मम्मी जी होती तो सब ठीक कर देती। हम सबको उनकी कमी बहुत खलती है। आरती बहू, इस तरह हार मानने से कुछ नहीं होगा। गायत्री जी, तुम दोनों पर अपने परिवार की जिम्मेदारी सौंप कर गई थी। कितने विश्वास के साथ देखा था उन्होंने आखिरी बार अपने यश बेटे और आरती बहू को। अब तुम्हें ही उनके विश्वास की लाज रखनी होगी, नहीं तो उनकी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा। समझ में नहीं आ रहा बड़ी मां कि मैं क्या करूं। आकाश को फिर भी मैं संभाल लूंगा, लेकिन भाऊजी, भाऊजी की तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती। आपने देखा ना भाऊजी ने क्या कहा कि हम भाऊजी को वो समझते हैं। बहुत तकलीफ हुई ये सुनकर। लेकिन बेटा, उनकी तकलीफ हम सबकी तकलीफ से कहीं ज्यादा है। तुम खुद अपने आप को उनकी जगह पर रखकर नहीं देखोगे, तुम उनकी तकलीफ, उनका दर्द नहीं समझ पाओगे। ऐसा नहीं कि मैं ये कह रही हूं कि तुम्हें अपनी गायत्री मां की कमी नहीं अखरती, पर बेटा, तुम्हारे पास तुम्हारा परिवार है, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे बच्चे हैं, पर तुम्हारे बाबूजी के पास तो कुछ भी नहीं। वो तो एकदम अकेले रह के, और वो भी इस उम्र में, जब एक जीवन साथी की जरूरत सबसे ज्यादा महसूस होती है इंसान को, और जिस तरीके का स्वभाव है तुम्हारे बाबूजी का, एकदम सख्त, स्वाभिमानी, अनुशासन प्रसन्न, वो तो खुल के रो भी नहीं सकते, इसीलिए अंतर ही अंतर खुदते रहते हैं। उनका ये गुस्सा सिर्फ उनकी अकेलेपन की वजह से है बेटा। ऐसा नहीं कि वो अपने बच्चों से प्यार नहीं करते, ऐसा नहीं है। आ गए स्कूल से? हाँ। टिफिन खाया? हाँ। अब कैसे है मम्मा? वैसे एक तरीका है सूरज प्रताप जी की खामोशी तोड़ने का, उन्हें खाना खिलाने का। ये बच्चे कहते हैं ना, असल से ज्यादा सूद प्यारा होता है इंसान को। इन बच्चों की मासूमियत इनके दादाजी का दिल पिघला देगी। बच्चों, आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना होगा। और सिर्फ इन तीनों को क्यों, इनके साथ इनकी वेदिका दीदी भी है ना। चलो मेरे साथ। दादाजी दरवाजा खोलो। मेरी ड्राइंग सबसे अच्छी है। नहीं, मेरी ड्राइंग सबसे अच्छी बनी है। आप पलक दीदी की सबसे अच्छी बनी है। चुप दीदी की चमची। तुम चुप। बेटी का दीदी आप ही बताओ ना। मुझे नहीं पता, दादाजी से पूछ लो। छोड़ कर रहे हैं।
कोई शोर नहीं करेगा। जाओ अपने कमरे में। लाला जी, आज क्लास में मेरी रैंक सबसे फर्स्ट बनी और पलक की सेकंड, तो पलक को चटका लग गया। चटका क्या होता है? अरे दादाजी, आप इतने बड़े हो गए और आपको चटका नहीं पता? नहीं पता चटका क्या होता है? चटका अगर मैं गेम में जीत गया और आप हार गए तो आपको चटका लग गया। ये होता है चटका। अच्छा, दादाजी को आज पता चला चटका क्या होता है। आपको लग गया है चटका। दादाजी, हमें बहुत भूख लगी है, सबने तो खाना खा लिया। हम अभी आए हैं ना स्कूल से, हमें बहुत भूख लग रही है, आप हमारे साथ खाओगे प्लीज? हाँ दादाजी, बहुत भूख लगी है सच्ची। चलिए दादाजी प्लीज। बात बताऊं, भूख तो है ना, मुझे भी लगी है। पता है मेरे कमरे में खाना रखा है, हम सब मिलके खाते हैं। जितनी चिड़िया फेंक दो ये सुअर मरता ही नहीं। मरना। जे शाबाश, लो फिर फंस गया। तेरे की चले मोटी वाली फेंकते हैं। तिथि के हिसाब से मम्मी जी को गए एक महीना हो गया और वो घर वाले शांति पाठ रखवाने की सोच रहे हैं। तो हम क्या करें? आप कुछ मत कीजिए, आप बस यहां आराम से बैठे और ये तो बिल्कुल मत सोचिए कि वो तीनों भाई हम पर हावी हो रहे। मुझे तो यश और आरती की जीत साफ साफ नजर आ रही है। चुप कर, तेरी तो जबान ही काली है। जब मुंह खोलती है तो कुछ मनुष्य ही बोलती है। हम आकाश सिंधिया हैं। क्या हैं? आकाश सिंधिया। और जो चाहते हैं वो हासिल कर कर रहते हैं, समझी? हासिल किया है कहां से आकाश जी? ये जो धन दौलत है ना, यश ने तरस खा के आपको भीख में दी है। तो सबान बहुत तेज चलती है तेरी। वो भिखारी हमें भीख देगा? हमें? कितनी बार बताए हम आकाश, ये गुस्सा मुझ पे उतारने से कुछ नहीं होगा। ये जोर दिखाना है ना तो यश पे दिखाइए। और हाँ, हाथ लगा कर नहीं, दिमाग का इस्तेमाल करके, क्योंकि हर बात हाथापाई से नहीं बनती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए।
समझो कि समझाए। हेलो, शिव मंदिर से बोल रहे हैं? प्रणाम। घर में अशांति लाने का नया तरीका आकाश के कंधे पर बंदूक रखकर, क्योंकि इशिता तो कुछ कर ही नहीं सकती है, बेचारी जो है। आरती जी मेरी बात तो सुनिए। आरती जी, नहीं होगा यश जी। आरती जी देखिए, आप जिद मत कीजिए, आप ऐसा करिए जैसे कि आप कोई बच्ची हो। हाँ तो हूँ मैं बच्ची, आप क्यों भूल जाते हैं यश जी कि मेरे अंदर एक छोटू सा बेबी है और होने वाली मम्मा किसी बेबी से कम नहीं होती। हाँ आरती जी, आपने तो बिल्कुल ठीक कहा कि होने वाली मम्मा कोई बच्ची से कम नहीं होती। तो एक काम करते हैं, आप बच्ची बन जाइए, बेबी बन जाइए और मैं आरती मम्मी। हाँ बेटा मुंह खोलिए, ये देखिए ताई जी ने आपके लिए इतनी अच्छी दाल बनाई है। नहीं नहीं यश जी, मतलब नहीं नहीं मामा, मुझे नहीं खाना। हाँ तो बेबी खा लीजिए, नहीं तो ताई जी नाराज हो जाएंगे। उनके लिए मुंह खोलिए बेबी। अब परिधि चाची के लिए। नहीं मम्मी प्लीज। बेबी परिधि चाची नाराज हो जाएंगी। मामा प्लीज। नहीं नहीं नहीं, मुंह खोलिए, खुली 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 खुली। अब ये और खाए ना मम्मा तो मुझे उल्टी हो जाएगी। नहीं अभी ये चाचू के लिए, अगर आपने नहीं खाया तो चाचू आपको छोटा सा कंटाप मारेंगे। हाँ बेबी से ऐसे बात करते हैं? नहीं नहीं ऐसे बात नहीं करते। आप चलिए चाचू के लिए ले लीजिए बेबी। मस्त पेट भर गया। आरती जी, बेबी बेबी आप यश जी के लिए नहीं खाएंगी? उनकी फेवरेट ये पूरी है, अगर ये नहीं खाएंगी तो यश जी नाराज हो जाएंगे। ले लीजिए। आरती जी के दांत बहुत शार्प है। अरे आरती जी मतलब बेबी आज तो खाना बिल्कुल जैसे हिसाब से बना, कुछ बचा ही नहीं, सब खत्म हो गया। भाभी ऐसा भी तो हो सकता है कि खाना कुछ ज्यादा ही टेस्टी बना हो और इसलिए सब लोगों ने ज्यादा खा लिया। लगता है प्रतीक भैया ने तुम्हारे हाथ की बनी हुई डिश की जरा ज्यादा ही तारीफ कर दी है। कहा भाभी, तारीफ के दिन गए, अब तो जैसे शादी से प्यार खत्म ही हो गया। परिधि ऐसा नहीं कहते, प्यार ऐसे ही खत्म हो जाता है क्या? अब यश भैया को देखो, आरती की प्रेगनेंसी की वजह से उसके कितने मूड स्विंग्स होते हैं, लेकिन यश भैया आरती के मूड के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं या नहीं। अभी भी उसके लिए खाना लेकर गए, आरती खाने से मना जरूर करेगी लेकिन उसे खिलाकर ही मानेंगे। बताओ दोनों एक दूसरे का ध्यान रखते हैं या नहीं, ऐसे प्यार खत्म होता है। भाभी सब लोग यश भैया जैसे तो नहीं होते ना, खास करके प्रतीक और पंकज भैया। अब आप बताइए मैं सही कह रही हूँ या गलत। चलिए काम करते हैं। तो शिव मंदिर के ब्राह्मण है, हर शुभ दिन पर भोज कराने के लिए मम्मी जी इन्हें यहाँ बुलाया करती थी, लेकिन आज ये सब यहाँ कैसे? प्रणाम। आइए अंदर आइए ना, आइए।
ये सब लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? ये तो बिना नहीं होते कहीं नहीं जाते। मैं भी यही सोच रही हूँ, इन्हें यहाँ बुलाया किसने? हमने तो कोई तैयारी भी नहीं की है। बताइए पंडित जी, हम आपकी क्या सेवा करें? आप सीधे भोजन की ही तैयारी कीजिए। आपकी माता जी ब्राह्मणों को भोजन करवाकर ही उनको संतुष्ट किया करती हैं। हमें ये जानकर प्रसन्नता हुई कि आप उनकी इसी परंपरा का पालन कर रहे हैं। तभी तो आज और कल दो दिनों तक अपने स्वर्गीय माता जी के नाम पर आपने शांति का पाठ रखवाया, हम सबको यहाँ पर निमंत्रित किया। हम सबके आशीर्वाद से आप सबकी प्रार्थनाएं आपकी दिवंगत माता जी तक अवश्य पहुंच जाएगी। हम सब 10 मिनट का ध्यान करेंगे, कृपया आप बिना विलंब करे प्रसाद लगवा दीजिए। सादर प्रणाम पंडितों, अब आएगा मजा। पंडितों खूब खाओ और खूब दक्षिणा लो। अब देखते हैं ये एकजुट हुआ हुआ परिवार क्या करता है। जी बहुत अच्छा। आयुष्मान बाबा। इतना तो पता ही होगा इन संस्कारी लोगों को कि इन ब्राह्मण को बिना भोजन करवाए भेजना किसी पाप से कम नहीं है। अब देखते हैं अपने परिवार को इनके क्रोध से बचाने के लिए ये राम और सीता क्या करते हैं। इन सबको यहाँ पे बुलाया किसने? और आपने सुना ना इन्होंने क्या कहा कि इन सबको निमंत्रण देके यहाँ बुलाया गया, जबकि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। झूठ तो वो बोलेंगे नहीं, मगर उन्हें बुलाया किसने? परेशान क्यों हो रही है नखरे वाली भाभी? सॉरी हमने बुलवाया है। आप इतना टेंशन में क्यों हैं भाई? अब आपकी पत्नी हमारी पूजनीय भाभी जी कहती है ना कि रिश्तों में बड़ी ताकत होती है, और जिसके पास रिश्तों की दौलत नहीं वो दुनिया का सबसे बड़ा गरीब होता है। अब आप तो तीन तीन भाई हैं और हम अकेले, तो दिखाइए ना अपनी रिश्तों की अमीरी, बनवाइए बाहर बैठे ब्राह्मणों के लिए शुद्ध प्रसाद। हमें नीचा दिखाने के लिए आप खुद इतना नीचे गिर जाएंगे, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था आकाश भैया। आज अगर वो ब्राह्मण हमारे घर से भूखे चले गए तो कितना अपमान होगा हमारा, और सिर्फ हमारा ही नहीं हमारे पूरे परिवार का अपमान होगा। और मत भूलिए कि अब आप भी हमारे इस परिवार का एक हिस्सा हैं। वाह भाभी, आपकी यही बात तो हमें इतनी प्यारी लगती है। जब सर पे तलवार लटकती है तो हमें अपने घर का हिस्सा बना देती है। नहीं सीता मैया, नहीं नहीं नहीं, ना हम किसी के हैं और ना कोई हमारा। और आप ही के तो पतिदेव ने कहा था ना कि इस घर में सुख शांति चाहिए,
इसीलिए तो ये लक्ष्मण रेखा खींची है। रतिया, ये सब शिव मंदिर के ब्राह्मण हैं। इन्हें ऐसा वैसा कुछ भी नहीं खिलाया जा सकता। इनके लिए तो विशेष तैयारी करनी होगी। और इतनी जल्दी हम इतनी सारी तैयारियां करेंगे कैसे? हाँ, वैसे गायत्री माँ जब जिंदा थी तो उन्होंने शिव मंदिरों के ब्राह्मणों को बहुत ही तरीके से भोज कराया और फिर ढेर सारा आशीर्वाद भी तो पाया है। अब देखना ये होगा कि गायत्री माँ के लायक बेटे और बहू रानियां उनकी परंपरा निभा पाते हैं। अब अगले अंक में ये देखिए कि होता क्या है, उन्हें ब्राह्मणों से आशीर्वाद मिलेगा या फिर श्राप। अब आप तो बड़े समझदार है ना यश भाई, तो आपको ये तो पता होगा ना कि ब्राह्मणों का श्राप जब लगता है तो सबसे पहले गर्भवती औरत को लगता है। आपको टेंशन हो ना हो, हमें तो बहुत टेंशन है आपके होने वाले बच्चे की। अब कहीं ऐसा ना हो कि माँ बाप की नाकामी का फल आने वाले बच्चे को भुगतना पड़े। अरे आप सब खड़े खड़े मेरी बातें काहे सुन रहे? अच्छा, पंचायत की तो आदत है आप लोगों को, एक बंदा बोलता है और बाकी सब सुनते हैं। नहीं नहीं सुनिए मत, वक्त बर्बाद मत कीजिए, 10 मिनट का वक्त है, चलिए चलिए जल्दी से भोग लगाइए, ब्राह्मण इंतजार कर रहे हैं, अब डिस्टर्ब नहीं करेंगे, चलते हैं। आरती जी आप परेशान मत होइए, श्राप आप कुछ नहीं होता, हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा, समझे? यश जी प्लीज, श्राप लगे ना लगे कि मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को किसी की बद्दुआ भी लगे। अगर अगर मेरे होने वाले बच्चे को किसी की बद्दुआ लग गई तो नहीं नहीं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने देती। हमारे बच्चों को कुछ? यश जी आप बहस मत कीजिए, आप समझ क्यों नहीं रहे, मैं एक माँ हूँ, मैं किसी भी हाल में अपने होने वाले बच्चे पर कोई आंच नहीं आने दे सकती। आपको आपको कुछ करना पड़ेगा मेरे होने वाले बच्चे के लिए, अपने होने वाले बच्चे के लिए। आरती यश जी आप सुन रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ, आप सुन रहे हैं ना? आरती मैं तुम्हारी तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ बेटा, कोई भी माँ अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहती, अगर एक माँ के लिए उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका बच्चा होता है तो वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी होता है। लेकिन बेटा इस तरह हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा। लेकिन आप देख रहे हैं ना ये सब जो कुछ भी हो रहा है ऊपर से गया, जब हमारे हाथ में कुछ नहीं है तो फिर ऊपर वाला ही कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। आरती मेरे पति ने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं, अगर आप सब लोग ठीक समझे तो मेरा खाना ले लीजिए। ये 56 भोग तो नहीं है लेकिन ब्राह्मणों को परोसने लायक तो है ही, कम से कम इस घर से कोई भूखे पेट तो नहीं जाएगा। अपने घर में खाना इसलिए नहीं बनाते कि भीख में बांटते हैं। अगर दान पुण्य का इतना शौक है ना तो अपने बाप के घर जाके कर, समझी? हट।
तुम्हारे, अभी गिर जाती तो और अपनी पत्नी के साथ ऐसे बिहेव करते? हमारी पत्नी है और हम जैसा सलूक करना चाहेंगे करेंगे। और तुम और तुम्हारी पत्नी क्या हर वक्त लेक्चर देते रहते हो? ओ भाई, हमें सिखाने का वक्त नहीं है, ये बर्बाद मत करो। बाहर कौन इंतजार कर रहा है? ब्राह्मण लोग। 10 मिनट का वक्त दिए थे, वक्त बीता जा रहा है। भोज लगाओ भोज। और तू दल बदलू कहीं की दुश्मनों से जाके मिल गई, चल।